हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं यूपी आई हूँ और यहाँ पर मेरे पापा का फार्म है, मछलियों का बिजनेस है, तो वही हम लोग देखने आए हैं 13 साल बाद। तो मैं आज आप लोगों को वो जो फार्म है ना उसका एक व्लॉग दिखाऊंगी। वो मेरे पीछे है। हम लोग यहाँ पे एक आम का जो बाग है वहाँ पे घूमने आए थे, मैं और मेरी बहन। ये भी बहुत अच्छा जगह है। वैसे तो पता नहीं ये किसके जगह है, पर बहुत ही अच्छा है। तो मैं और मेरी बहन थोड़ा टहलने आ गए। आज सुबह हो रहा था और हम लोग को आए हुए वैसे 5-6 दिन हो गया, और मेरी बहन मतलब मेरी जो फूफा की बेटी है वो भी आई है यहाँ पे। वो जो आखिरी वाला पेड़ दिख रहा है ना वहाँ तक है पापा की, मतलब पापा का जो फार्म है। वैसे तो स्टार्टिंग में ये घर आएगा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उतना बड़ा नहीं है, बस क्योंकि पापा ही रहते हैं ना घर के अंदर, तो एक रूम था और एक किचन था वही। तो ये व्लॉग मैंने थोड़ा कुछ दिन पहले शूट किया था, जहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई जा रहे थे फार्म का थोड़ा टूर करने। यहाँ पे छोटे छोटे जो मछली आते हैं ना, जो मतलब पापा लाते हैं किसी से, तो पहले उनको यहाँ पे रखते हैं, फिर उसको ले जाके पॉन्ड में छोड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब आप देखोगे तो कैसे गिच-गिच कर रहे हैं सारे एक साथ में। और यहाँ पे दो ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पे ये मछलियाँ रहते हैं। वैसे पापा का काम जो है ना वो है कि पापा छोटी जो मछलियाँ होती है वो किसी एक पार्टनर से, पार्टनर मतलब किसी अंकल से ख़रीदते हैं, फिर उनको खिला के पुला के मोटा बना के फिर वो उनको बेचते हैं ज़्यादा दाम में। तो यही बिजनेस है, तो पापा को लेना पड़ता है। और इसके लिए पॉन्ड भी है काफ़ी सारे। और ये जो जगह है ना वो पापा ने पूरा नहीं ख़रीदा है, मतलब ख़रीदा हुआ नहीं है, लीज़ पे लिया हुआ है। तो पापा को लगभग साल में 9 लाख शायद देना पड़ता है इस पूरे जगह को लीज़ पे लेते हुए। और ये मेरा भाई है, थोड़ा अपना बॉडी दिखा रहा था। मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे अपने बाल सुखाने, मतलब हम लोगों ने शैम्पू किया था तो सोचे कि बाल सुखा लेते हैं धूप पे, और थोड़ा व्लॉग भी हो जाएगा, मतलब दिखा भी दूँगी आप लोगों को कि कहाँ पर आई हूँ। थोड़ा देर चलते यहाँ पे जो है ना वो जो मशीन, उसमें वो जो मछलियों के लिए खाना आता है वो आप पेस्ट होता है, ये मैं आपको कई और दिन दिखाऊंगी कि कैसे खाना पेस्ट होता है। और यहाँ पे और एक कमरा है जहाँ पे दो भैया रहते हैं जो कि काम करते हैं, और हर दिन यहाँ पे पानी चलता है क्योंकि एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में पानी जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन के लिए वो पानी लोग चलाते हैं। और पूरा जो एंड तक दिख रहा है वो एक पेड़ वहीं तक है ज़मीन। वैसे कभी कभी मछलियों के प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि मर गए कई, और बहुत सारे मरते हैं एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जब ट्रांसफ़र होते हैं ना तो बहुत सारे मर जाते हैं, मतलब वो पाइप से ट्रांसफ़र होते हैं तो अंदर सांस नहीं ले पाते, बहुत सारे मर जाते हैं। और ये जो जाल का नेट का दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से दिया जाता है क्योंकि वो जो पंछियाँ आती है, पता नहीं क्या नाम होगा हिंदी में, पर बंगाली में हम लोग उसको बॉक बोलते हैं, तो वो खा लेती है सारी मछलियों को, तो उनके लिए ये जाल बिछाया जाता है चारों तरफ से। वैसे सभी पॉन्ड में नहीं है, जो जो मान लो कि ज़्यादा मछली है जिस पॉन्ड में उन सब के ऊपर ये जाल दिया जाता है। अभी तो मैं थोड़े से ढूंढ टहल रही थी, मम्मी मेरा वीडियो बना दी। और जहाँ भी आप लोग देखोगे ना चारों तरफ बस ये पॉन्ड ही दिखेगा और कुछ नहीं है, इधर बस पॉन्ड ही पॉन्ड है, और उसमें बस मछलियाँ है उछलती हुई कूदती हुई नाचती हुई। ऐसे जब खाना देते हैं ना तो एक साइड से ही देते हैं, अब जिसको आज मिला उसको कल नहीं मिलेगा, जिसको कल मिला उसको परसों नहीं मिलेगा। और एक बड़ा वाला मछली मुझे दिखा, मैं पता नहीं, मुझे लग रहा कि मर गया होगा क्योंकि वो ना हिल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़े मिट्टी छोड़ के देखे पर वो नहीं हिला, तो शायद मर ही गया होगा। और ये हम लोग का आंगन है जहाँ पे ये घर है, एक रूम है और एक किचन है, और बाहर में ये जो खटिया है ना उसमें भी लोग सोते हैं। ये रूम ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, बस एक फ्रिज रखा हुआ है और एक खटिया था। और यहाँ पे वो जो पॉन्ड है उसमें मैं खाना दिखा रही दे रही थी इन लोग को, आप लोग को दिखाने के लिए, देख लो मतलब खाना देती।
मैं पहले जब आई थी ना छोटे में, जब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी, तो पापा लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, थोड़ा दूर रहते थे। तो वहाँ से यहाँ का बहुत ही अलग है, सारे लोग भी अलग है, पर जो भैया काम करते हैं यहाँ पे सारे बहुत फ्रेंडली है, मुझसे तो बहुत अच्छे से बिहेव करते और बहुत हेल्प भी करते। मतलब खाना वाना पकाना वो लोग खुद ही करते थे, और हम लोग आ गए तो थोड़ा हम लोग हेल्प कर देते, पर पूरा काम नहीं करने देते वो हम लोग को। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये जो पानी उधर से इधर आता है ना, तो मछलियाँ ना तब तैरती है, मतलब तैरती नहीं मतलब उड़ती है, तो वही देखने की कोशिश कर रही थी पर आ नहीं रहे थे। कितने देर तक मैंने वीडियो को ऑन करके रखा, यार आ ही नहीं रहे। फिर मैंने सोचा छोड़ो, पहले वीडियो में तो दिखाई थी, अब नहीं दिखाना। आप लोग बहुत बोर हो चुके होंगे मेरे इन मछलियों के बारे में सुन के, बस कोई ना, अभी तो हम लोग को घूमने जाना है, तो तभी ट्रैवल वाला ब्लॉग भी आएगा। अभी अभी तो फ़िलहाल के लिए हम लोग दावत ही खाते रहते हैं, क्योंकि पापा के जो दोस्त थे वो लोग बोल लिए कि हाँ तुम्हारी फैमिली आई है तो लेके आओ, सारे दावत खा लो। तो यहाँ का कल्चर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और एक ब्लॉग बनाऊंगी जहाँ पे इन लोगों के बारे में थोड़ा बोल दूंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत फ्रेंडली लगे। बस थोड़ा है कि लड़कियों के लिए बहुत रोक टोक है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सब अच्छा है। तो फिर मिलते हैं, और बाय बाय, टेक केयर इसके लिए।